धोळकामां 11 दिवस पहला एक हत्यानी घटना घटी हती। विकास पांडेनी हत्या करी लाश ने फेंकी देवामां आवी हती। पोलीसे 11 दिवस सुधी पूरा मामले तपास करी अंते गईकाले पोलीसे आ हत्यानो भेद उकेली नाख्यो छे। विकास पांडेना हत्याराने झड़पी पाड्या छे। कोण छे हत्यारा? आओ जोईए। धोळकामां हत्या, विकास पांडेनो मर्डर। फोटोमां जोवा मळता आ विकास पांडेनी कहानी छे। 11 दिवस पहला आ विकासनी हत्या करी देवामां आवी हती। धोळकाना आंबेठी रोड मेलीडी माताना मंदिर पासे छाणियो तळावना किनारेथी अर्ध बळेली हालतमां लाश मळी आवी। अमदावाद क्राइम ब्रांचना अधिकारीए गुनो उकेलवा सूचना आपता टीमो कामे लागी हती। आ दरमियान स्क्वॉडना अधिकारीओने बातमी मळी हती। नितिन उर्फे भूर्यो तथा तेना सागरिते तारीख 1 रोज रातना समय धोळका आंबेठी रोड पर आवेली तलावड़ी पासे विकास पांडेनी हत्या करी छे। तथा तेना सागरितो एक कार मां रामोलवेरा पासे भेगा थवाना हता। विकास पांडेना हत्यारा झड़पाया। बातमी मुजब वॉच गोठवी नितिन चंद्रकांत चौहान, ऋत्विक हसमुखभाई चौहान, राहुल भूपेन्द्रभाई पूरबिया तथा नरेन्द्र गोविंदभाई पूरबिया ने झड़पी लीधा हता। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता आ चारे शख्सोए विकासनी हत्या करी छे। 10 दिवस बाद पोलीसे आ हत्यानो भेद उकेली नाख्यो छे। आ हत्यानी घटनामां पोलीसे चारे शख्सने झड़पी लीधा। आ चारे शख्सोए नानी वातमां एक हत्याने अंजाम आप्यो छे। केवी रीते हत्याने आप्यो अंजाम? प्राथमिक पूछपरछ करता सामे आव्यु के मृतक विकास उर्फे चुन्नी पांडे गत 1 नवेम्बरथी गुम हतो। त्यारे पकड़ायेला आरोपीओए तेने कारमां बेसाडी धोळकाना आंबेठी रोड पासे लई तीक्ष्ण हत्याना घा झीकी मौतने घाट उतार्यो हतो। एटलू ज नहीं परंतु हत्यारोए तेमनी ओळख छती न थाय ते माटे मृतक पर पेट्रोल छाटीने तेने सड़गावीने पुरावानो नाश कर्यानो आरोप छे। शा माटे हत्याने आप्यो अंजाम? शुं हतो विकास साथे वांधो? चारे आरोपीओनी करायेली पूछपरछमां जाणवा मळ्युं हतुं के चारमां सगाउ नितिनने विकास पांडेए घरे मुकवा माटे जणावता तेणे ना पाडी हती, जेथी विकासे नितिनने मारी नाखवानी धमकी आपी हती, जेनी अदावतमां राखीने नितिन अने तेना मित्रोए विकासनी हत्या करी नाखी। बादमां लाशना पुरावा सळगावी देवानो पण प्रयास करवामां आव्यो हतो। जो कि बातमीना आधारे पोलीसे आ चारे शख्सने दबोची लीधा अने जेलना सड्या गणता कर्या छे। केवो छे आरोपीनो इतिहास? पोलीसे आरोपीओनी प्राथमिक पूछपरछ करता सामे आव्यु हतुं के मृतक विकास उर्फे चुन्नी पांडे थोड़ा समय पहला जेलमांथी बहार आव्यो हतो। अगाउनी तकरार नितिन उर्फे भूरिया साथे होवाथी मारी नाखवानी धमकी पण मळी हती। मृतक विकास उर्फे चुन्नी पांडे नितिन भूरियाने पोताना वाहनमां बेसाडवानी ना पाडी दीधा बाद मृतक अने आरोपीओने मतभेद थवा लाग्या। बादमां मृतक अने आरोपीओने पोतानी हत्या थई जवानो डर हतो, जेने पगले नितिन भूरियाए विकासनी हत्या करवानुं नक्की करी घरेथी तीक्ष्ण हथियार लई कार साथे निकळेलो अने विकासनी हत्या करी नाखी। जग्या शोधी काढ के जग्या शोधी काढ ज्यां ख्याल ना आवे त्यां लई जईने तीक्ष्ण मार मार्यो। मार मारी मार्या पछी एने बाइकमांथी पेट्रोल काढीने सळगावी मार्यो। कोनी कोनी धरपकड़ थई? पोलीस गिरफ्तमां उभेला आ चारे आरोपीओ पर हत्यानो आरोप छे, जेने लई गणतरीना दिवसोमां ज अमदावाद क्राइम ब्रांचे आ चारे आरोपीओने झड़पीने हत्यानो भेद उकेली नाख्यो। टीवी स्क्रीन पर देखाता आरोपीनुं नाम छे नितिन उर्फे भूरियो चौहान, ऋत्विक चौहान, राहुल पूरबिया अने नरेन्द्र उर्फे भोपो पूरबिया। पोलीसे आ चारे शख्सोने झड़पी तेमनी पासेथी हत्याना गुनामां वपरायेल कार मोबाइल कब्जे कर्या छे। જાણ થતા મર્ડરની તપાસમાં અમારી પણ ટીમ લાગેલી। આરોપ પહેલા સૌથી વધારે તો મન્નાની અમે લાશ ઓળખી। મન્નાના લાશ ઓળખ્યા પછી અમે આખા અમારા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છે બલોચ સાહેબની ટીમે આ ચારેય આરોપીની ધરપકડ કરી છે અને આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે ધોળકા પોલીસને આરોપીને સોંપવા માટે તજવીજ ચાલુ છે। કેવી રીતે હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો? આ ઘટનામાં પહેલા બળેલી લાશ મળી આવી, લાશ બાદ તેના હાથ પરથી મળી આવેલા ટેટુના આધારે હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો છે। ત્યારે ઝડપાયેલા આરોપીઓને અન્ય ગુનાહિત ઇતિહાસ છે કે કેમ તે દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। કેમેરામેન હિરેન શાહ સાથે દેવાંગ પ્રજાપતિ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।